नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात संस्कारधारी में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक की, और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो बता दें आपको, जबलपुर दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और जबलपुर संभाग की वो बैठक इस वक्त ले रहे हैं। लेकिन आज ही जबलपुर में यानी संस्कारधारी में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले भी देखिए डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में है। जबलपुर संभाग की इस वक्त बैठक ले रहे हैं और प्रशासनिक और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक भी वो इस वक्त ले रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद हैं, बीडी शर्मा समेत संभाग के सभी मंत्री भी मौजूद हैं, संभाग के जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी वो भी इसमें शामिल हैं। सरकारी योजनाओं के प्रेजेंटेशन वो दे रहे हैं अधिकारी। बता दें कि बैठक के बाद जन आभार रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं और गैरिसन ग्राउंड में दरअसल आज आम सभा को भी वो संबोधित करेंगे और आभार रैली में शामिल होकर के गैरिसन ग्राउंड में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होना है। 409.53 करोड़ के विकास कार्यों की आज संस्कारधारी को सीएम सौगात देने वाले हैं। दुर्गेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या हलचल इस वक्त, क्योंकि सिर्फ कैबिनेट की बैठक ही नहीं है बल्कि दूसरे भी बहुत अहम कई कार्यक्रम है, प्रशासनिक मीटिंग्स हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय मोहन यादव जो है वो और समीक्षा बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, और समीक्षा बैठक में सही में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि ये संभागीय समीक्षा बैठक थी जिसमें तमाम आला अधिकारी और सभी मंत्रीगण समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे। संभाग के सभी विभाग के विधायक भी और सभी विभाग के मंत्री भी सभी इस बैठक में शामिल हुए थे, और इस बैठक के बाद अभी प्रेस ब्रीफिंग हो रहे हैं। मोहन यादव जी का कहना है कि इस बैठक में की महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर और जो कमिश्नर प्रणाली है उसे लेकर इस पर कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से संभाग को लेकर और जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं उन तमाम कार्यों पर इस पर चर्चा हुई, और चर्चा के बाद इस समय प्रेस बाइक अभी खत्म हुई है। और सीएम का कहना है कि जिस तरीके से फीडबैक मिला है, दरअसल अधिकारियों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से भी, कि जबलपुर समेत पूरे क्षेत्र में किस तरीके से काम हो सकते हैं, क्या क्या संभावना है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। तो निश्चित तौर पर ये समीक्षा बैठक की, संभागीय समीक्षा बैठक की, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक है, उस पर और कई बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है। जी ठीक है, तो कैबिनेट की बैठक की अगर बारे में बात करें तो जबलपुर में बहुत खास माना जा रहा है इस कैबिनेट की मीटिंग का, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस करा चुकी है, उसको लेकर के अपनी उपलब्धियों के बारे में भी वो कई बार कह चुकी है, और अब जबलपुर में बीजेपी सरकार की जो कैबिनेट बैठक हो रही है इसको किस तरह से देखा जा रहा है राजनीतिक हलकों में? बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में जो अब तक जो विकास कार्य थे और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उस पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि देखिए जब कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक जबलपुर में हुई थी उस दौरान कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई थी और उन प्रोजेक्ट को कैबिनेट बैठक में पास कर दिया गया था, लेकिन चूंकि 15 महीने की सरकार रही और प्रोजेक्ट पूरे जो है अधूरे रह गए, ऐसे में क्या उन प्रोजेक्ट पर को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर उस पर नए प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, कैबिनेट बैठक में बेहद महत्वपूर्ण होता रहेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती के मौके पर ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, और उनको ध्यान में रखते ही ऐसे प्रोजेक्ट पर चर्चा की जा रही है, ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर लाया जा रहा है जो आदिवासियों के लिए हों, आदिवासी क्षेत्रों के लिए हों और उनके जननायकों को एक पहचान देने के लिए हों। तो निश्चित तौर पर इस कैबिनेट बैठक का जो मेन एजेंडा है वो मैन एजेंडा तो केवल मोदी की गारंटी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जबलपुर आए थे उसके पहले जो उन्होंने यहाँ पर घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चाएं होंगी, और निश्चित तौर पर इस पर कई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर जो है मोहर लग सकती है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश। और देखिए इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जबलपुर पहुंचने पर भी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि सीएम एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से सीधी भंवरताल गार्डन पहुंचे, यहां पर उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि रानी दुर्गावती की नगरी में आकर के मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, सरकार सभी अमर शहीदों को याद करते हुए विकास के पद पर मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि आज पहली कैबिनेट बैठक हो रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अमर शहीद रानी दुर्गावती का ये उज्जैन जबलपुर से बड़ा गहरा नाता रहा है, और सुशासन की, स्वतंत्रता और अन्याय विषयों की जो प्रगाढ़ एक अलग मूर्तिमान रूप से पूरे देश में चमकदार जिनका व्यक्तित्व है,
ऐसी रानी दुर्गावती की नगरी में आकर मैं अत्यंत प्रसन्न भी हूँ और उनकी स्मृति में उनकी जो 500वीं जन्म शताब्दी चल रही है, ऐसे में मैं उनके विनम्र पूरा पराक्रम को प्रणाम करते हुए यहाँ मैं माननीय वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय राकेश जी हमारे मंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के साथ पहली मंत्रिमंडल की बैठक भी कर रहा हूँ और यहीं पास में वीरांगना अवंतीबाई उनका भी बलिदान दिवस है। हम दोनों ऐसे और अन्य ऐसे सभी अमर शहीदों को पुण्य स्मरण करते हुए मध्यप्रदेश सरकार के नए गठन की पहली कैबिनेट की बैठक करने आए हैं। आज पुष्पांजलि के बाद हमारा आज दिनंदिन का कार्यक्रम चालू होगा, दिन भर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। मैं अपनी ओर से मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार सभी बलिदानियों को